Hey guys, this is Saurabh from Tech Battle and welcome to PC Build Series 2022. तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडिटिंग PC Builds की। अगर आप एक एडिटर हो, अगर आप Premiere Pro, After Effects जैसे सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ PC components रेकमेंड करूँगा जिसके थ्रू आप अपने लिए बेस्ट PC चूज़ कर पाओगे एडिटिंग के लिए। इस वीडियो में हम सारे ही बजट के PCs रेकमेंड करने वाले हैं, तो अगर आपका लो, मिड या फिर हाई बजट है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डायरेक्टली नेविगेट कर सकते हो। रेकमेंडेशन के पहले ही मैं आपको बता दूं कि जो भी कंपोनेंट्स की प्राइसिंग है हम मोस्टली Amazon MD कंप्यूटर से ही रेकमेंड करने वाले हैं। ऑफलाइन मार्केट में आपको कुछ चीज़ें सस्ती और महंगी मिल सकती हैं, तो अगर आप ऑफलाइन एक्सेसिबल हैं तो ज़रूर एक बार ऑफलाइन मार्केट चेक करें, उसके बाद ही आप MD कंप्यूटर या Amazon से मंगाएं। तो गाइस वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं लो बजट कैटेगरी की। अगर आपका बजट अराउंड 30-50,000 के बीच में लाई करता है तो आपको कौन से कंपोनेंट सिलेक्ट करने चाहिए एडिटिंग के लिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो CPU के लिए आप जा सकते हो i3-12100 के साथ। ये CPU आपको मिल जाता है अराउंड 10,000 रुपीज का। ये CPU बजट में काफी पावरफुल परफॉर्मेंस देता है। GPU की मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे GPU जो रेकमेंड कर रहा हूँ वो होगा GT 1030। ये आपको अराउंड 8,000 रुपीज में मिल जाएगा। इस GPU के CUDA कोर्स आपको एडिटिंग में हेल्प करने वाला है। मदरबोर्ड में आपको रेकमेंड कर रहा हूँ वो है Asus Prime H610M, जो कि आपको मिलेगा अराउंड 7,500 रुपीज़ में। ये मदरबोर्ड इंटेल के नए जनरेशन सपोर्ट करता है और अभी फिलहाल ये जो इंटेल का नया सॉकेट है वो उतने ज़्यादा वैरायटी में मदरबोर्ड उसके लिए नहीं बने, इसलिए बजट में भी आपको मदरबोर्ड में इतना तो मिनिमम स्पेंड करना पड़ेगा। तो जो रैम मैं यहाँ पे आपको रेकमेंड कर रहा हूँ वो है G-Skill RipJaws, जो कि है 8GB का 3200 MHz पे चलने वाला रैम। इसकी प्राइस आपको पड़ेगी लगभग 2900 रुपीज़। तो नेक्स्ट बात करते हैं स्टोरेज की। तो स्टोरेज मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप अपने यूजेज के ऊपर अपना स्टोरेज सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक SSD रेकमेंड कर रहा हूँ 500GB का Crucial की तरफ से। ये आपको पड़ेगा अराउंड 3700 रुपीज़ का। PSU मैं आपको रेकमेंड करूँगा एंटी स्पोर्ट का VS500L। बजट के वजह से ये रेकमेंड कर रहा हूँ, अगर आपका थोड़ा बजट हायर है तो आप अच्छा वाला PSU भी ले सकते हो। इसकी प्राइस आपको पड़ेगी अराउंड 2000 रुपीज़। तो जो कैबिनेट मैं यहाँ पे रेकमेंड कर रहा हूँ वो है चिप्टॉनिक्स की तरफ से X610B। ये कैबिनेट अपने बजट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। ये आपको पड़ेगा अराउंड 2100 रुपीज़ का। तो इस PC बिल का टोटल कॉस्ट हो जाता है अराउंड 36,000 रुपीज़। तो इस PC से आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट आप अच्छे से 1080p एडिटिंग कर पाओगे और प्रॉक्सीज का यूज़ करके 4K भी एडिटिंग कर पाओगे। अब मैं आपको एक अपग्रेड ऑप्शन देने वाला हूँ इस PC का। अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आपको कौन सा कंपोनेंट लेना चाहिए, यहाँ पे आप अपग्रेड कर सकते हो CPU। आप यहाँ पे जा सकते हो i5-12400F, जो कि एक बेहतरीन CPU है। ये आपको MD कंप्यूटर्स में मिल रहा है 16,500 रुपीज़ का, जो कि अपने प्राइस को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करता है। और CPU के साथ साथ आप इस PC में RAM भी अपग्रेड कर सकते हो। आप यहाँ पे 8GB की दो स्टिक्स ले सकते हो, मतलब 16GB टोटल। तो आपको RAM और CPU अपग्रेड करने पे इस PC का कॉस्ट आ जाएगा अराउंड 45-46,000। ये PC भी आपको एक अच्छी एडिटिंग करवा देगा। ये था बजट सेगमेंट। अब बात करते हैं थोड़ा सा ऊपर मिड रेंज सेगमेंट, जिसमें आप रेकमेंड करेंगे अराउंड 60-80,000 के बजट में PCs। इसमें जो CPU है वो मैं रेकमेंड करूंगा Ryzen 5 5600X, जो कि आपको अराउंड 23,000 तक मिल जाएगा। तो जो GPU हम इसमें रेकमेंड कर रहे हैं वो है GTX 1050 Ti। ये आपको अराउंड मिल जा रहा है आज के टाइम पे 15-20,000 रुपीस का, बेस्ड ऑन आप कहाँ रहते हो उस पे थोड़ा प्राइसेस बहुत वेरी कर रहे हैं इसके। और अगर आपको ये यूज्ड मिल रहा है अराउंड 10-12,000 का, तो एक काफ़ी अच्छी डील होगी, आप इसे यूज़ भी ले सकते हो। तो मदरबोर्ड में यहाँ पे आपको रेकमेंड करूँगा B450M, जो कि आएगा GigaByte की तरफ से। इसकी प्राइस है अराउंड 6,000 रुपीज़। रैम में यहाँ पे रेकमेंड करूँगा G-Skill RipJaws। ये आपको 8GB के दो स्टिक्स लेने हैं, टोटल 16GB। इसकी प्राइस आपको अराउंड 6,000 रुपीज़ तक पड़ जाएगी। स्टोरेज के लिए अगेन 480GB की Crucial की SSD, जो आपको 3700 रुपीज़ में मिल जाएगी। तो जो PSU है वो मैं आपको रेकमेंड करूँगा Corsair का 550W का। ये होगा ब्रॉन्ज रेटेड पावर सप्लाई। ये आपको मिल जाएगा अराउंड 3800 रुपीज़ में। कैबिनेट में इसमें आपको रेकमेंड करूँगा डीप कूल मैट्रिक्स, जो कि आपको 2800 रुपीज़ में मिल जाएगा। कैबिनेट का भी चॉइस आपके ऊपर रहेगा, आप अपने पर्सनल चॉइस के हिसाब से आपको कितनी RGB चाहिए या फिर बिना RGB का चाहिए वो आप ले सकते हो। तो इस PC का कॉस्ट अराउंड हो जाता है 60,000 रुपीज़ का। तो इसका मैं एक अल्टरनेट भी आपको ऑप्शन देता हूँ, जिसमें आप थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप CPU को अपग्रेड कर सकते हो। जो मैं CPU आपको यहाँ पे रेकमेंड करूँगा वो है i5-12600KF, जो कि आपको मिल जाएगा अराउंड 26,500 रुपीज़ का। ये एक काफ़ी पावरफुल CPU है, जो कि आपको अच्छे से एडिटिंग करवा देगा। बट ये CPU के साथ आपको कोई भी स्टॉक कूलर नहीं मिलता है, तो आपको इसमें अलग से अच्छा कूलर लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो TDP है वो भी हाई है। तो यहाँ पे हम AIU यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं आपको रेकमेंड करूँगा कूलर मास्टर की तरफ से ML240L। ये आपको पड़ जाएगा अराउंड 6,500 रुपीज़ का। यहाँ पे जो मदरबोर्ड है वो मैं आपको रेकमेंड करूँगा Asus Prime H610M।
जिसकी प्राइस हो जाती है अराउंड 7500 रुपीज़। यहाँ पे मैं PSU भी आपको बेटर लेने का सजेस्ट करूँगा। यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कॉर्सियर का 650 वॉट का, इसकी प्राइस आपको अराउंड पड़ेगी 4800 रुपीज़। तो ये बिल्ड का भी टोटल आपको 72-73,000 तक होएगा। और इस बिल्ड में भी एक और एक मैं अपग्रेड ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर आप GPU चाहें तो बेटर भी ले सकते हो। तो यहाँ पे जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं प्रीमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट्स जैसे, वो ज़्यादातर CPU कंज्यूम करते हैं। इसके लिए हम CPU पे ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं ना कि GPU पे। और GPU के प्राइसेस भी आप करंट सिनेरियो में जान रहे हो कि बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप बहुत हाई एंड GPU नहीं ले पाओगे अगर आपका बजट मिड रेंज का है। तो इसके लिए ये सारी चीज़ों का ध्यान रख के आपको एक मैं बेटर CPU और एक मिड लेवल का GPU आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप DaVinci Resolve जैसे सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हो तो वो ज़्यादा GPU कंज्यूम करते हैं और उनके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो थोड़ी अलग होगी, वो GPU फोकस्ड होगी। तो इस PC में जो मैं आपको अपग्रेड सजेस्ट करूंगा GPU का, वो होगा 1650 या फिर 1650 सुपर। 1650 का रेट आज के टाइम पे अराउंड 22,000 रुपीस का चल रहा है मार्केट में, और आपको इतने ही प्राइस में 1650 सुपर का यूज्ड भी मिल जाएगा। तो अगर आपको यूज चल रहा है अच्छे कंडीशन में है, तो आप यूज के साथ भी जा सकते हो। 1650 सुपर बहुत ही अच्छा ग्राफिक कार्ड है। तो अगर आप GPU अपग्रेड करते हो तो आपका बजट अप्रॉक्सीमेटली 79-80,000 तक हो जाता है। हे गाइस, सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ SMC इंटरनेशनल के बारे में। सपोज आपने ये PC बिल्ड सीरीज का देख के कंपोनेंट सिलेक्ट कर लिया और अपने घर में मंगा भी लिया, बट आपको अगर PC बिल्ड करने ही नहीं आता तो वो एक प्रॉब्लम बन जाएगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम PC बिल्ड कर रहे हो तो मे बी आपसे कुछ गलती हो सके, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप SMC इंटरनेशनल के साथ जा सकते हैं। SMC इंटरनेशनल पे आप अपना कस्टम PC बनवा सकते हैं उनसे। क्या होता है, कभी कभी हमें कंपोनेंट मार्केट में नहीं मिलते हैं जो हमें चाहिए, बट यहाँ पे SMC इंटरनेशनल में आप अपना कस्टम बनवा देंगे तो आपको पूरा PC ये बना के भेज देते हैं। इनके प्री बिल्ड PCs भी हैं, और एडिटिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इनका एक बेल्डर सीरीज ज़रूर चेक कर लें, और आप यहाँ पे प्री बिल्ड PCs को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इनकी एक मेन खास बात है कि ये कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरर की वारंटी के साथ साथ अपनी भी एक साल की वारंटी देते हैं। तो मतलब एक साल में कुछ भी PC को होता है तो आप इन्हें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइज, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको PC बिल्ड किसी से बनवाना है तो SMC इंटरनेशनल आप ज़रूर चेक कर लें। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक कूपन कोड भी दिया है, वो अगर डालेंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं हाई एंड PC की, अगर आपका बजट अराउंड 1,00,000 रुपए तक है तो। तो इस बिल्ड में जो CPU मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो है i7-12700F, जिसकी प्राइस मिलेगी आपको अराउंड 29,300 रुपीज़। ये एक काफ़ी पावरफुल CPU है जो कि एक अच्छे प्राइस पे भी मिल रहा है। इसमें भी आप सेम कूलर यूज़ कर सकते हो जो कि आपको मैं पिछले PC में रेकमेंड किया था, कूलर मास्टर वाला, जो कि आपको मिलेगा अराउंड 6500 रुपीस का। मदरबोर्ड में आपको यहाँ पे रेकमेंड करूंगा गीगाबाइट की तरफ से B660M, जो कि आपको मिल जा रहा है अराउंड 12,000 रुपीस का। और इस बिल्ड में मैं आपको रैम रेकमेंड करूंगा 32GB का, तो आप 16GB के दो स्टिक्स भी ले सकते हो। तो रैम का कॉस्ट आपको मिल जाएगा अराउंड 11,500 रुपीज़ में। GPU की बात करूं तो GPU आप इसमें यूज़ कर सकते हो RTX 3050, ये काफ़ी नया आने वाला GPU है। आपको अगर ये स्टॉक में मिलेगा तो ये आपको अराउंड 40,000 रुपीज़ तक मिल जाता है। स्टोरेज में स्टिल आपको रेकमेंड करूंगा क्रूशियल का 500GB का SSD, जो कि आपको मिलेगा अराउंड 3700 रुपीज़ में। ऑफकोर्स आपको अगर ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ रही है तो आप हार्ड ड्राइव भी ऐड कर सकते हो। PSU में यहाँ पे आपको रेकमेंड करूंगा 650 वॉट का कॉर्सियर का, जो कि आपको मिल जाएगा अराउंड 4800 रुपीज़ में। कैबिनेट में आपको यहाँ पे रेकमेंड करूंगा MSI का MAG Force 1000R, जिसकी प्राइस आपको मिल जाती है अराउंड 4500 रुपीज़ की। ये काफ़ी अच्छा कैबिनेट है, और ऑफ कोर्स आपका अपना प्रेफरेंस है, अगर आप दूसरा कैबिनेट यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये जो प्राइसिंग है वो मैं MD कंप्यूटर्स और Amazon से ही मैंने ज़्यादा ली है, क्योंकि हर जगह ऑफलाइन मार्केट एक्सेसिबल नहीं होते हैं पूरे इंडिया में। कि इधर ऑफलाइन मार्केट है तो आपको शायद से थोड़े बहुत सस्ते कॉस्ट में भी आपको मिल जाएंगे PC कंपोनेंट्स। तो गाइस, अभी के टाइम पे भी ग्राफिक कार्ड महंगे ही मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस चल रहे हैं MSRP से। अभी के टाइम पे मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपका बजट मिड रेंज तक है तो आप एक यूज्ड ग्राफिक कार्ड ले सकते हैं। यूज्ड कंपोनेंट कैसे बाय करना है, क्या करना है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, उसे ज़रूर आप एक बार चेक कर लेना। आपको ऑफकोर्स थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है यूज्ड कंपोनेंट ढूंढने में, बट अगर आपको अच्छी एक डील मिल जाती है तो आपका काम बन जाता है। तो ये था PC बिल्ड सीरीज का फर्स्ट वीडियो एडिटिंग PC बिल्ड पे। आने वाले टाइम में मैं आपको VFX PC बिल्ड्स, गेमिंग PC बिल्ड्स, प्रोग्रामिंग PC बिल्ड सारे बताने वाला हूँ। तो चैनल का अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, सारे कंपोनेंट्स जो मैंने बताए हैं सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जरूर एक बार चेक कर लेना। और वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।